नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज की वीडियो में एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं और एक ऐसे विदेशी विकेट कीपर बैट्समैन के बारे में बात करेंगे जिनके पीछे जो है लगभग सभी टीम से जाने वाली है, लेकिन स्पेशली आरसीबी और हैदराबाद की टीम इस खिलाड़ी के पीछे ज़रूर से जाने वाली है। तो वीडियो को ज़रूर देखिए। आरसीबी, आईपीएल, हैदराबाद किसी के भी फ़ैन हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंग्लैंड के विस्फोटक ओपनर, उसका नाम है जॉनी ब्रेस्टो। जॉनी ब्रेस्टो जो है एक विकेट कीपर बैट्समैन है। हाल ही में जो है ब्रेस्टो का फॉर्म बहुत ही बढ़िया चल रहा है, चाहे वो वनडे हो, टेस्ट हो या फिर T20 हो, तीनों फॉर्मेट में जो है जॉनी ब्रेस्टो ने लगातार अच्छा फॉर्म दिखाया है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं वो कौन सी टीम है जो जॉनी ब्रेस्टो के पीछे जा सकती है और क्यों। सबसे पहला नाम आता है वो है आरसीबी का। दोस्तों, आरसीबी ने जो अपने ओपनर और विकेट कीपर बैट्समैन क्विंटन डिकॉक को छोड़ दिया है, तब ऐसे में जो है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम को एक विस्फोटक ओपनर, उसी के साथ साथ एक विकेट कीपर बैट्समैन भी चाहिए। तो ऐसे में जो है जॉनी ब्रेस्टो एक परफेक्ट रिप्लेसमेंट हो सकते हैं क्विंटन डिकॉक की, जो कि आके ओपनिंग भी करेंगे और विकेट कीपर का भार भी संभालेंगे। बात करें दूसरे टीम की तो उसका नाम आता है सनराइजर्स हैदराबाद। दोस्तों, हैदराबाद की टीम ने जो है रिद्धिमान शाह को छोड़ दिया है, तो उनके पास जो है एक ही विकेट कीपर बैट्समैन बचता है, वो है गोस्वामी, लेकिन उनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं था। तो ऐसे में जो है हैदराबाद की टीम चाहेगी कि जो जॉनी ब्रेस्टो है वो उनके टीम में आ जाए, क्योंकि अगर डेविड वार्नर पूरा सीजन आईपीएल नहीं खेलेंगे तब ऐसे में जो है जॉनी ब्रेस्टो ओपनिंग में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो उसी के साथ साथ जो है कई और टीम है, जैसे कि किंग्स इलेवन पंजाब है, राजस्थान रॉयल्स की टीम है, ये सारी जो टीम्स है वो भी जॉनी ब्रेस्टो के पीछे जा सकती है, लेकिन बेंगलोर की टीम और हैदराबाद की टीम जरूर से जॉनी ब्रेस्टो के पीछे भागने वाली है और बहुत सारा पैसा भी खर्चा करने वाली है। ये थी एक छोटी सी वीडियो, आशा करते हो आप सभी को वीडियो पसंद आई रहेगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और क्रिकेट खेलते रहिए।